ए नमस्कार दोस्तों, वाचन जो मैचन में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग आज एक ट्रिक। ठीक है, तो ये ट्रिक के बारे में आज आप लोगों को बात करेंगे, जो है अपने डेस्कटॉप या पीसी का या लैपटॉप का कैसे रैम का जो है परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। मतलब आपका 2 GB या 3 GB रैम है, आप जो है 4 GB 5 GB रैम बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये कैसे बढ़ा सकते हो ये इस वीडियो आगे तक देखते रहिएगा, अब लोगों को सब कुछ इस वीडियो से सीख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों पहले तो बोलना चाहता हूँ, मेरे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा जो आप लोगों को हेल्प करेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले तो मैं माई कंप्यूटर में जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो है ओपन कंट्रोल पैनल है, इसमें जाके आप कंट्रोल पैनल में आ जाओगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पर स्टार्ट में क्लिक करने के बाद कंट्रोल पैनल में जाने के बाद भी यहाँ पर जो है आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ पर कंट्रोल पैनल पे आने के बाद यहाँ पर सिस्टम लिखा है, सिस्टम में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग सिंपली यहाँ पर देख सकते हो मेरा है 6 GB रैम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 4 GB रैम में जो है बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कैसे बढ़ाएंगे, तो पहले मैं यहाँ पर जो है माई कंप्यूटर में जाने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा CDEF 4 ड्राइव है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है वर्चुअल मेमोरी बढ़ाएंगे दोस्तों। मतलब मैं यहाँ पर किसी भी एक ड्राइव में जो है वर्चुअल मेमोरी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ सी टाइप आप लोग चूज़ कीजिएगा, क्योंकि सब फाइल का जो है यहाँ पर सेटअप फाइल वो सी ड्राइव में रहता है दोस्तों। तो दूसरा ड्राइव पे भी आप लोग करवा सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेड है आप लोग सी ड्राइव में करें दोस्तों। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा यहाँ पर 81.1 GB फ्री है। ठीक है, तो मैं इसका एक स्नैपशॉट लेके आप लोगों को प्रूफ के हिसाब से दिखाएंगे। इसे स्नैपशॉट लिया, उसके बाद यहाँ पर पेंट पे यहाँ पर जो है कंट्रोल वी, तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा जो है स्क्रीनशॉट, तो इसको मैं सेव करके रखता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे रैम इंक्रीज, तो आप लोग रैम इंक्रीज करवा सकते हो। मेरा ये टिप्स आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा दोस्तों। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पर सिस्टम पे जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो है 4 ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, इसमें सिंपली क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है एडवांस में क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर सिंपली ऑलरेडी एडवांस में क्लिक हुआ है और यहाँ पर सेटिंग्स पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर एडवांस में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पर सिंपली देख सकते हो यहाँ पर चेंज लिखा है। ठीक है, तो मेरा सिंपली यहाँ पर चेंज पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह यहाँ पर फॉर्मेट आप लोगों को सामने आएगा, आपका सी टाइप और यहाँ पर जो है डी सी सब यहाँ पर दिखाएगा। तो सिंपली यहाँ पर ऑटोमेटिक में क्लिक किया है, क्लिक में अनक्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पर सी टाइप को ही सिलेक्ट रहने दीजिए, या आपका दूसरा जो है यहाँ पर ड्राइव है आप यहाँ पर से सिलेक्ट करवा सकते हो। मैं यहाँ पर सी टाइप को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कस्टम साइज, ठीक है, तो यहाँ पर कस्टम साइज आप लोग को देना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पर 4 GB एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे रैम को, वर्चुअल मेमोरी को बढ़ाएंगे। तो सिंपली मैं कैलकुलेटर यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। तो कैलकुलेटर इसलिए ऑन किया यहाँ पर जो है मैं रैम का हिसाब यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों। तो मेरा 1 GB मतलब 1024, ये है 1024 MB से 1 GB होता है, इंटू में 4 GB करेंगे 4, तो यहाँ पर 4096 मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा दोस्तों, 4096। उसका मैक्सिमम MB क्या देंगे, तो इसको जो है आप इंटू कर दीजिए दो दे के, उसके बाद यहाँ पर जो है 81.2 ये दे के आप लोग सिंपली यहाँ पर सेट करके ओके कर दीजिए। तो सिंपली दोस्तों आप लोग यहाँ पर दिखा रहा है द चेंज
हैप मेड रिक्वायर्ड रिस्टार्ट कंप्यूटर। तो ये मुझे जो है कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो रिस्टार्ट करने के बाद आप लोगों को सिंपली दिखाता हूँ ये वर्चुअल मेमोरी चेंज हुआ, रैम इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, तो मैं इसमें ओके कर देता हूँ। तो पीसी को रिस्टार्ट करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर माय कंप्यूटर में जाएंगे। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा यहाँ पर 80 GB फ्री हो गया। और पहले मैं स्क्रीनशॉट करके रखा था, उसमें था यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सिंपली 81.1 GB। ठीक है, वो अभी हो गया 80.5 GB। ठीक है, तो सिंपली आप लोगों को मैं यहाँ पर कंट्रोल पैनल में जाके सिस्टम पे जाके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा जो है 6 GB रहे। तो आप लोग सोच रहे हो अरे ये 6 GB है, अभी अभी बारह आया था, वो क्या कहा है ना। तो ये है का फिजिकल मेमोरी। ठीक है, मतलब आप जो रैम लगा रहे हो उसका मेमोरी, मतलब मेरा 6 GB है। तो ये मेरा वर्चुअल मेमोरी मैंने जो है बढ़ाया था। तो यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाने के बाद, एडवांस में जाने के बाद, सेटिंग्स में जाने के बाद, एडवांस में जाने के बाद, यहाँ पर चेंज में क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, मैं जो यहाँ पर जो है 4 GB बढ़ाया था वो यहाँ पर सिंपली मेंशन है। तो ये इसका फ़ायदा क्या हुआ है ना। तो आप हैवी गेम खेल रहे हो या ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, तो उस समय आप लोगों को जो है हैंगिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। उस समय आपका जो है यहाँ पर ये वर्चुअल मेमोरी आपका मदद करेगा, आपका हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह आप लोग जो है वर्चुअल मेमोरी बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, वो है 4 GB से ज़्यादा आप लोग, 4 GB से ज़्यादा आप लोग वर्चुअल मेमोरी मत इंक्रीज कीजिए। ठीक है, क्योंकि 4 GB से ऊपर आपको करने का ज़रूरत नहीं है। आप करेंगे तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला दोस्तों। तो सिंपली आपका जो है फिजिकल मेमोरी 2 GB 3 GB रहने दीजिए, उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पर, तो आप लोग जो है यहाँ पर जो है ये वर्चुअल मेमोरी आप लोग अपने हिसाब से 2 GB 3 GB 4 GB बढ़ा सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरा टिक्स आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। तो मेरा इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना इस तरह टॉपिक पाने के लिए, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं जरूर हेल्प करेंगे। तो मिलता हूँ दूसरे वीडियो पे, तब तक लिए जय हिंद।